दिल्ली छोड़ते एक वीक हो गया, हम तो मनाली जाके आए। 6 डिग्री टेम्परेचर में गए थे और इधर आए 47 डिग्री टेम्परेचर में, इसलिए हालत बहुत बुरी है। मैं तो वही बोल रही हूँ कि टूरिस्ट को आना है यहाँ तो बस विंटर में आए, समर में तो मत ही आना। घूमना कुछ होगा नहीं और वापस कार में बैठ जाए या मॉल में जाने का सोचते हैं, बस वैसे ही हालत है। बहुत ही ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी जोधपुर के अंदर भी नहीं है जितनी यहाँ पे लग रही है। ये तो ठीक है, गार्डन है तब थोड़ा मौसम ठीक है, बाकी तो बाहर तो हालत खराब है, बेहोशी की हालत है, इस प्रकार की गर्मी पड़ रही है। अभी जो टेम्परेचर है वो कल का जो नजफगढ़ का तापमान था वो 47.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, और अब बढ़ेगा ही टेम्परेचर, तो क्या ऐसे में एसी काम कर पाएंगे अच्छे से? ऐसा है जैसे पहले अभी एक दो दिन या तीन दिन चार दिन पहले हम देखते हैं तो टेम्परेचर इतना नहीं था, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ी जा रहा है वैसे वैसे कस्टमर की एसी की कूलर की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ता भी है 47 होता है 48 होता है तो एसी बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि एसी जो ऑलरेडी हमारे पे सभी कंपनियों के ब्रांड है एसी के, उसमें सारे ब्रांड में कम से कम 52-53 डिग्री भी अगर होता है तो तब भी प्रॉपर हमारा एसी काम करेगा। अच्छा, अगर 50 से ऊपर तापमान जाता है 52-55 के आसपास तब क्या स्थिति होकर? 52-55 के आसपास भी जाता है तो तब भी जैसे कंपनी के अच्छे एसी हैं, वो जनरल हो गया, मिशीबुशी हो गया, तो ऑलरेडी बकायदा ये लिख के देते हैं कि 55 डिग्री 54 डिग्री पे भी अगर 52 डिग्री भी टेम्परेचर होता है तब भी एसी फर्स्ट क्लास वर्क करेगा उसमें। अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है घर में तब क्या एसी काम करेगा? बिल्कुल करेगा, बाकी घर में सनलाइट डायरेक्ट आ रही है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बढ़िया कंपनी का एसी होगा तो फर्स्ट क्लास काम करेगा।